पागल औरत, चल भाग यहाँ से, गिराक को यूं ही डरा दिया, भागते करे, चल भाग। नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल सिंह राजपूत आप सभी का अपने इस शो प्यार में सावधान में स्वागत करता हूं। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी से प्यार किया है या किसी और ने आपसे कभी प्यार किया है? अगर हाँ तो आपको जरूरत है सावधान रहने की, खासकर प्यार में। दोस्तों, हमारा पूरा समाज प्यार पर टिका रहता है। ये प्यार जितना खूबसूरत है उतना ही भयानक भी है, क्योंकि इस प्यार में कई बार दिल दहला देने वाले संगीन जुर्म भी होते हैं। आज मैं आपको रूबरू करवाता हूं रामचरण और उसके पूरे परिवार से। रामचरण की दूसरी शादी को 6 साल हो चुके थे, 2 प्यारे बच्चे, सुंदर जवान बीवी और अपना खुद का मकान था। रामचरण जो कि एक सरकारी अस्पताल में मामूली सा नौकर था, इसके बावजूद भी उसका पूरा परिवार और जिंदगी हंसी खुशी चल रहे थे, इतने अच्छे तरीके से कि किसी की नजर न लगे। लेकिन बेटा पहले अंदर तो आने दो मुझे। हाँ, सबके लिए लाया हूँ। हेलो बेटा, ये रखो, ये रखो, और ये रही सबके लिए मिठाई। क्या बात है, आज कुछ खास दिन है? हाँ हाँ, बिल्कुल खास दिन है आज। वो क्या है ना कि हर महीने जो बीसी के पैसे भरता था ना मैं, वो आज इकट्ठे मिले मुझे। अच्छा, अब देख लेना लीला, हमारा बेटा इंजीनियरिंग पढ़ेगा और बहुत बड़ा साहब बनेगा ये। और हाँ लीला, आज तुम्हारा भी तो व्रत पूरा हो रहा है ना, तो इसलिए मैंने सोचा कि कुछ मिठाई ले लूं और उपहार लेता चलूं सबके लिए। और हाँ बेटा, ये गुड़िया के लिए अच्छी गिफ्ट लाया हूं मैं, दे दो उसे। देखो, थैंक यू पापा, आई लव यू। रे 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 रे, अपनी गुड़िया तो पटर पटर अंग्रेजी बोल रही है। अब गुड़िया मैं तो रहा अनपढ़ पापा, मेरी तो समझ में अंग्रेजी नहीं आएगी। और बेटा उसमें तुम्हारे लिए भी अच्छी गिफ्ट लाया हूं मैं। पसंद आई? बहुत मस्त है पापा, थैंक यू। चलिए आप हाथ मुंह धो लीजिए, आज आपके मनपसंद पकवान बन रहे हैं। क्या बात है, आज तो खाना ही पड़ेगा, खुशी का दिन है मेरे लिए। और तुम कहाँ जा रही हो, बैठो। अब इन सब लोगों के लिए गिफ्ट लाया हूँ तो तुम्हारे लिए भी तो लाया होगा ना मैं। अरे तुम्हारे लिए तो सबसे अच्छी गिफ्ट लाया हूँ, देख लो। अरे ये क्या है? गाउन है, उस दिन बाजार में देखा था ना, वही लेकर आया हूँ मैं। आप भी ना। वाह 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 वाह, क्या बात है लीला, रेशमी गाउन तो बहुत जच रहा है तुम पर। परी लग रही हो परी। थोड़ी पास तो आ जाओ। अरे पहले दूध तो पी लीजिए। हे भगवान, दूध लो। ठीक है, एक बात है लीला, दूध बिल्कुल तुम्हारे जैसा मीठा लग रहा है। एक बात कहूं मैं, ये तुम्हारे व्रत की वजह से है ना, बहुत दिनों से दूर रहा हूं मैं तुमसे, लेकिन अब रहा नहीं जाता मुझसे। एक मिनट, पहले लाइट तो बंद कर लूं। ताकत का अंदाजा हो जाएगा, छोड़ूंगा नहीं, आज तेरी तकलीफ का अंत
होकर रहेगा, होकर रहेगा तेरी इस तकलीफ का अंत। ओम ह्रीं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विजय नमः नमः। ओम ह्रीं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विजय। फट स्वाहा। दरवाजा किसने खुला छोड़ दिया? लगता है पापा बंद करना भूल गए। पापा भी ना। कल से मैं कॉलेज जाऊंगा, पिताजी का सपना पूरा करूंगा। अरे 8 बज गए, कॉलेज जाना है, फीस भरनी है, पापा से पैसे भी लेने। थैंक यू गुड़िया, बचा लिया। अरे रुके रुके, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। चल। पापा पापा मम्मी। पापा उठो ना, कॉलेज जाना है, फीस भरनी है, लेट हो रहा है। पापा 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 उठिए ना, उठिए। पापा पापा मम्मी, पापा उठ क्यों नहीं रहे? अजी उठिए ना, उठते क्यों नहीं है? सर पापा को क्या हुआ है? अब बोल क्यों नहीं रहे? क्या हुआ है? रामचरण जी का देहांत हो चुका है, शायद नींद में ही वे चल बसे। जी उठिए ना, देखिए डॉक्टर साहब क्या बोल रहे हैं, उठिए ना। देखो ना तुम्हारे पापा को क्या हुआ है।
तंग कर रहा है हमारे साथ, ये सब कौन कर रहा है? मम्मी आप अंदर चलिए, मैं देखता हूँ, आप अंदर चलिए। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई, उससे यह पता लगा है कि तुम्हारे पिता की मौत प्राकृतिक नहीं थी। ये मामला कुछ जादू टोने वाला। कल तो सब कुछ ठीक था, पता नहीं आज क्या हुआ। मैं तो लुट गई, अब मेरे बच्चों का क्या होगा? क्या आप दोनों में से कोई बता सकता है कि इनकी मौत कैसे हुई है? सोते में कैसे मौत हुई? क्या कोई हार्ट की प्रॉब्लम थी, कोई बीपी का कोई दिक्कत थी, इसलिए इस तरह की कोई प्रॉब्लम होती है तभी सोते में मौत हो सकती है? वैसे सोते में से कैसे मौत होगी, अचानक ही होगी? पक्का? श्योर? ओके, थैंक यू वेरी मच। क्या भाई साहब आप लोग बता सकते हैं इनकी मौत कैसे हुई है, किस वजह से हुई है, क्या कारण था, क्या रीजन थे? ओके, थैंक यू वेरी मच। चैन सर, सर मैंने इन लोगों से पूछताछ कर ली है और कुछ खास वजह नजर नहीं आ रही है। मुझे लगता है इनकी मौत जो है शायद नींद में हुई है। ठीक है सर, तो मैं इनके घर वालों से इनका मोबाइल नंबर ले लेता हूँ। जय हिंद सर। कहो क्या परेशानी है? बुधिया जी, हमको तो हमारी बहुरानी पे पूरा शक है, वो हमारे लड़के को ऐसा फंसाए रखते हैं कि हम कहाँ बताएं, कल को वो हमें घर से भी बाहर निकाल सकती है। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, हम तुम्हारा ये काम ऐसा करेंगे कि तुम सोचते रह जाओगे कि किस महापुरुष को तुमने ये छोटा सा काम बता दिया। बस कुछ ही दिनों में अमावस की घनी काली रात आएगी, तुम इंतजार करना और हम जैसा कहे वैसा ही करना, वरना ये बाधा तुम पर भी आ सकती है, तुम पर भी, समझ गए? हाँ डॉक्टर साहब, क्या रिपोर्ट है? अच्छा, तो ये कंफर्म हो गया कि रामचरण की मौत प्राकृतिक रूप से नहीं हुई, दम घुटने से हुई। हमें तो पहले से ही शक था डॉक्टर। ठीक है, हम अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर। थैंक यू सो मच। शुक्ला जी सर, मुझे रामचरण के परिवार वालों की फोन डिटेल चाहिए, उनके फोन से कब कब किस किस को फोन किया गया है, सारी डिटेल। जी सर, आज दोपहर तक सारी डिटेल्स आने वाली है, मैंने आईटी वालों से बात की है, जैसे ही सारी डिटेल्स आ जाएंगी मैं आपको फौरन इन्फॉर्म कर दूंगा सर। ठीक है, थैंक यू सर। राजेंद्र, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई है, उससे यह पता लगा है कि तुम्हारे पिता की मौत प्राकृतिक नहीं थी, दम घुटने से हुई। भला उन्हें कौन मार सकता है, ये तो हम लोगों के सोच के परे है। सर, पापा की किसी के साथ भी कोई भी दुश्मनी नहीं थी, कोई ऐसा क्यों करेगा उनके साथ? यही तो पता लगाने आया हूँ। अच्छा, उस दिन ऐसा कुछ हुआ था जो अब तक आप लोगों ने पुलिस को नहीं बताया, या शायद ऐसा कुछ जो पुलिस को बताना जरूरी नहीं समझा? हाँ सर, उस रात मैं टॉयलेट करने बाहर आया था तो मैंने देखा मेन डोर खुला हुआ था, और
और सर आज तक ऐसा नहीं हुआ। मम्मी पापा दोनों में से कोई ना कोई तो मेन डोर कंफर्म बंद करता है, लेकिन उस रात खुला था। शायद कोई घर में घुस गया हो। और हाँ, और एक एक बात, हम जब सुबह अस्पताल से लौटे तब दरवाजे के बाहर नींबू और सिंदूर बिखरा पड़ा था। हम दोनों बहुत डर गए थे। सर, मम्मी तो वो देखकर चीख पड़ी। मैंने सोचा कि ये सब अंधविश्वास है, इसलिए मैंने झाड़ू लिया और साफ कर दिया। अभी अंधविश्वास है या हकीकत, ये तो हम पता लगा ही लेंगे। तुम लोगों को किसी पे शक है क्या? नहीं, किसी पे नहीं। ठीक है, जब तक इस केस की तहकीकात पूरी नहीं हो जाती, कोई भी ये शहर छोड़कर बाहर नहीं जा सकता, समझे? जी सर। चलो। राजेंद्र, उस रात दरवाजा खुला था ये पहले तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? तुम्हें पता है ना कि हम लोग दरवाजा बंद करके सोते हैं। मम्मी, मुझे लगा ये बात बताने के लायक नहीं है, लेकिन लेकिन क्या राजेंद्र? मम्मी, ये नींबू सिंदूर ये सब बातों पे तो हम विश्वास भी नहीं करते, लेकिन ऐसा किसने किया होगा पापा के साथ? लगता है उस रात दरवाजा खुला रह गया था तो कोई घर में घुसकर पापा के साथ। ये मामला कुछ जादू टोने वाला था। वो पिंटू है ना, वो कह रहा था कि हमारे पापा के ऊपर किसी ने जादू टोना कर दिया है। सर, गांव वालों के अनुसार रामचरण एक सीधा सीधा इंसान था, भला उसकी किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है? वो भला, उसका परिवार भला। हाँ शुक्ला, तहकीकात से तो यही पता चल रहा है कि रामचरण एक अच्छा आदमी था। अपनी पहली पत्नी के देहांत के बाद उसने लीला से शादी की। हाँ, ये माना कि उन दोनों के बीच में झगड़े होते थे, लेकिन झगड़े किस घर में नहीं होते, तो फिर रामचरण का खून कौन करता? सर, गांव वालों के अनुसार ये मामला कुछ जादू टोने वाला था। भैया, ये जादू टोना क्या होता है? क्यों, क्या हुआ? वो पिंटू है ना, वो कह रहा था कि हमारे पापा के ऊपर किसी ने जादू टोना कर दिया है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, इन सब बातों पे ध्यान मत दो। भैया, कोई कोई हमारी मम्मी के ऊपर भी तो जादू टोना नहीं कर देगा। ऐसा मत बोलो, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा, ठीक है? कहो, आपने जो भी सामान बोला था हम सब वो ले आए हैं, लेकिन थोड़ा सा डर जैसा लगता है। डर? किस बात का डर? अब वो का है, का ये काला जादू है ना, इसमें कभी कभी अपने पे उल्टा भी हो जाता है, तो थोड़ा सा अपने को तकलीफ जैसा भी हो सकता है। गलत तब होता है जब काला जादू करने वाला गलत हो। मूर्ख, तुम्हें मेरी ताकत का अंदाजा नहीं है। देखना चाहता है? देख। ओ Oh।
दोस्तों, रामचरण हम जैसा ही एक आम इंसान था। सब कुछ ठीक ठाक चलते चलते एक दिन अचानक उसकी मौत कैसे हो गई? क्या किसी ने उसके घर में घुसकर उसका कत्ल कर दिया, या फिर वो किसी जादू टोना का शिकार हुआ? असल में क्या हुआ, ये सब कुछ जानेंगे हम इस कहानी के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए रहिए सावधान, खासकर प्यार में। नमस्कार। काले जादू के नाम पे ठगने के यहाँ तो सारे सामान पड़े, ये गुड़िया, ये नींबू, ये सिंदूर। 4 साल से बुधिया यही रहता था साहब। महाराज, मुझे मेरी शादी ठीक करवानी है। साहब, फोन ट्रेस हुआ है और वो यही का है, और उसका असली नाम जोगिंदर शर्मा है।